बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान उसेन बोल्ट और दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीता, इन दोनों में से कौन तेज है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों की रफ्तार के बारे में। आज तक के इतिहास में सबसे तेज उसेन बोल्ट 2009 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में दौड़े थे, जहां उसेन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस को 9.58 सेकंड में पूरी की थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो उसेन बोल्ट की एवरेज स्पीड 37.5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन बोल्ट ने 60 से 80 मीटर की दूरी को तय करते हुए हाईएस्ट स्पीड 44.72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव की हुई है। अगर हम बात करें चीते की, तो चीता 110 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से यही 100 मीटर की रेस सिर्फ 6 सेकंड में ही पूरा कर लेता है, जो उसेन बोल्ट के टाइम से 1.5 गुना कम है। वेल, उसेन बोल्ट और चीता के बारे में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब।